खास सरोकार। बीएसपी का एक दिवसीय सम्मेलन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की बैठक। बीएसपी का एक दिवसीय सम्मेलन को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की बैठक। बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी रहे मौजूद। बीएसपी का एक दिवसीय सम्मेलन में बैठक में सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर हुई चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक। इमरान मसूद और भीमराव अम्बेडकर भी रहे मौजूद। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई। बीएसपी का एक दिवसीय सम्मेलन। निकाय चुनाव को लेकर बीएसपी की बैठक। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने की बैठक। बैठक में सभी जिले के पदाधिकारी रहे मौजूद। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विभांशु, बीएसपी की नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर बैठक की गई है, इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का आज एक दिवसीय राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। इसमें बात करें तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। साफ तौर से अगर देखा जाए तो ये बैठक साल के अंत और नए साल के शुरुआत में होने वाले निकाय चुनाव और 2024 चुनाव को लेकर बैठक की गई है। ताकि अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव के बाद जो तमाम पद थे उसको भंग करते करके और नए सिरे से संगठन का विस्तार सभी दलों का हो रहा है, उसी क्रम में बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी का भी जो जिम्मेदारियां हैं और जो खोए जमीन है बहुजन समाज पार्टी का उसको वापस पाने के लिए और नए तरीके से पार्टी का गठजोड़ करने के लिए बैठक की गई थी। इसमें अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के लगभग सभी जो जिलाध्यक्ष हैं वो इस बैठक में शिरकत किए और अपने अपने जिले का जो विधानसभा है जो निकाय के जो सीटें हैं उसको लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में अगर बात की जाए तो सुश्री गुरु मंत्र दिया गया कि आखिर कैसे लड़े और पार्टी की जो जमीर थी पहले जो खोई जमीर है उसको वापस से कैसे तैयार किया जाए। साथ ही अगर बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद बीएसपी ही एक ऐसा दल था जो जिसकी संख्या जो सीटों की संख्या थी वो कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पे थी। साथ ही अगर देखा जाए तो 2022 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं देखे तो एक राजनीतिक पतन का इशारा करते हुए आपने देखा कि वोट परसेंटेज तो बसपा के थे मगर सीटों की अगर बात की जाए तो महज एक सीट हासिल हुई थी बहुजन समाज पार्टी को। तो कहीं ना कहीं देखे तो इसको लेकर कहीं बसपा चिंतित थी और आगामी जो चुनाव है निकाय चुनाव तो निकाय चुनाव में सफलता पाकर और कहीं ना कहीं देखे तो निकाय स्तर पर पार्टी को मजबूत कर और जो लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है निकाय चुनाव उसमें अपनी जमीन को वापस पाने के लिए लगातार बीएसपी पार्टी लगी हुई है। उसी पर में आज के बैठक में अगर बात की जाए तो नए नवेले बसपा के नेता इमरान मसूद साथ ही साथ बीआर अंबेडकर समेत तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। अगर बात की जाए तो पार्टी की सुप्रीमो सुश्री मायावती की तरफ से निर्देश दिया गया कि आप इस चीजों को चिन्हित करें कि बहुजन समाज पार्टी को हम कैसे सत्ता में वापस ला सकते हैं और निकाय चुनाव में जो अन्य दल हैं उनके साथ कैसे हम चुनौती दे सकते हैं उनको। साथ ही कहीं ना कहीं देखा जाए तो निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर और जो लोकसभा चुनाव है उसमें मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी लड़ना चाहती है। इसी क्रम में देखा जाए तो तमाम बैठक हुई मगर आज की बैठक एक दिवसीय राज्य स्तर बैठक थी राज्य स्तरीय और इस बैठक में अन्य अनेकों जिलों से लोग आए हुए थे और उनको गुरुमंत्र दिया गया। वही अब देखने वाली बात ये होगी कि अब बीएसपी जहां अपने पार्टी को फिर से वापस जो जमीर था उसको दिलाने में लगी है और निकाय चुनाव में उसे क्या हासिल होता है और निकाय चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। मगर नंदनी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी है वो कई बार सरकार में रही है, साथ ही साथ देखा जाए तो दलित चेहरे के तौर पर अगर देखे तो मायावती एक बड़ा नाम है
साथ ही अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 28% के करीब दलित वोटर हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि जो वोट परसेंटेज है वो बसपा के उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, मगर सीटें नहीं निकली हैं। तो इसको लेकर अपने वोट बैंक को अपने साथ लेकर चलने के लिए, इसमें तेजमारी ना हो, इसके लिए सुश्री मायावती की तरफ से बैठक की गई थी। अब देखने वाली बात ये होगी नंदनी कि जो आगामी चुनाव है उसमें नतीजों में क्या बसपा का हश्र होता है। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में अगर देखे तो दलित चेहरे के रूप में मायावती की एक बड़ी पहचान है, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मायावती का शासन जो होता है उसमें मायावती के दिशा निर्देश पर कहीं ना कहीं बीएसपी सरकार में रही है, और पिछले लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की थी, उसको दोबारा से दोहराने के लिए निकाय चुनाव में अपने जमीर को वापस से पाने के लिए बीएसपी लगातार मेहनत कर रही है। वो आने वाले चुनाव में उसके नतीजों के बाद कहना साफ होगा कि कितनी तैयारियों के बाद क्या निष्कर्ष निकला। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु इतनी जानकारी देने के लिए हमें। जितेंद्र नारायण त्यागी का बड़ा बयान, दीपावली पर्व को लेकर जाहिर की खुशी। यह मेरा पहला सनातनी पर्व है जिसे मैं मना रहा हूं। जितेंद्र त्यागी ने कहा यह मेरा पहला पर्व है जिसे मैं मना रहा हूं। दीपावली पर्व को लेकर जितेंद्र नारायण त्यागी का बयान, दीपावली पर्व को लेकर जाहिर की खुशी। जितेंद्र नारायण त्यागी ने दीपावली को लेकर जाहिर की खुशी अपनी, कहा कि ये मेरा पहला सनातनी पर्व जिसे मैं मना रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं अपने जीवन का पहला सनातनी त्यौहार दीपावली मनाने जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे जीवन की आखिरी दीपावली हो, क्योंकि किसी भी मनुष्य के अगले पल का कोई भरोसा नहीं। मैं दीपावली की शुभकामनाएं हर भारतीय को दे रहा हूँ, और विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, उनके कुशल नेतृत्व की टीम को, और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी को, और अपने उत्तर प्रदेश राज्य के कुशल नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को विशेष रूप से दीपावली की शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि भारत ने इस वर्ष कोरोना जैसी महामारी से लड़ते हुए टीकाकरण का लक्ष्य पूरा किया है, और वर्तमान में दुनिया में विश्व युद्ध जैसे बने हुए हालात के बावजूद भी भारत विकास की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली 2022 आप सभी भारतीयों के परिवार में खुशी का उजाला लाए। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं